है जमीन का? कितने कर लिए? देख नहीं रहा यार, मैं घुसे जाते घुसे चले आ रहा हूँ। कितने कर ली जमीन कब्जे में? खाना खाना कौन सा है? जल देवी। आज आप यहाँ भोगड़ताल बैठी हैं? हाँ, भोगड़ताल पे बैठे हैं। राण बेवा पति हमारे खत्म हो गए। क्या मामला? मामला जमीन का है। हमारी जमीन कब्जा कर रखी उनने, सोफ्टी वालों ने कब्जा कर रखी है। हाँ, हम अपने निर्णय ले रहे हैं। महिलाएँ बैठी हैं सब? हाँ, सब एक ही घर की हैं। हाँ, एक ही घर के सब गए हैं, परिवार के हैं सब। क्या चाहती हो? हम अपने निर्णय लेने चाह रहे हैं कि हमारे निर्णय मिल जाना चाहिए, जगह मिल जाना चाहिए। हमारी जो है गरीब आदमी हम। क्या नाम है तुम्हारा? हरिओम सागर। कहाँ रहते हो? अरुण अंगला। क्या मामला है जो यहाँ आप हमारे हमारी जमीन पे कब्जा करके धरने बैठे हुए हैं? हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है साहब ग्रीन पार्क चरणपाल सिंह सोपती उर्फ पप्पू। और चरणपाल सिंह सोपती उर्फ पप्पू हमारी मौका वारदात पे खाली पड़ी है, पीछे रोलखंड पे डाले दीवार, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है साहब। इसलिए हम भोगड़ताल बैठे हैं और तब तक बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी जमीन के फायदे में कुछ निर्णय नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आदरणीय डीएम साहब कोई निर्णय करें हमारी जमीन के बारे में। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं जमीन पर? चरणपाल सिंह सोपती उर्फ पप्पू। कितनी जमीन है? 2720 वर्ग मीटर। तो ये कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग कॉलोनी बनी हुई बनाई है साहब उन्होंने अपनी। कॉलोनी बनाई है? हाँ, माल टाउन में रहते हैं। अच्छा, तो आपने थाने में शिकायत की थी क्या? शिकायत कई बार कर चुके साहब, कोई सुनता ही नहीं है। वो इतना बड़ा आदमी है, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, सुनता नहीं है। थाना कौन सा? थाना बारादरी। थाने गए थे? अरे कई बार शिकायत की साहब। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि आदरणीय डीएम साहब हमारी जमीन के बारे में कोई निर्णय करें हम, ताकि खुशहाल हो सके बस। अगर आपका ये कार्रवाई नहीं होती तो आप? हम साहब भूख हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे तब तक। हाँ,